हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं डुस्का। डुस्का बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप हमने चावल लिया है और 1 कप ली है चने की दाल और 1/2 कप हमने ली है उड़द की दाल। इसको हमने ओवरनाइट सोक करना है। जब ये ओवरनाइट सोक हो जाएगी तो हमें इसे पानी में से निकाल लेना है और इसमें हमने जो मसाले ऐड करने हैं उसमें हमने भुना हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्चें ली हैं और 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है और 1 चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा सोडा लिया है 1 चुटकी के बराबर और 4-5 कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। आइए अब हम इसको जार में डाल के पीसते हैं। हमें इनको अलग अलग पीसना है, एक साथ मिला के नहीं पीसना है। दाल अलग रहेगी और चावल अलग रहेगा। ये देखिए, हमने दाल अलग पीसी है और चावल को हमने अलग पीसा है। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। अब हमने इस बैटर में अपने जो मसाले लिए थे उन्हें ऐड करना है। अच्छे से मिला लेना है, इन्हें अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें रख देना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ये चमचे में से इस तरह से गिर रहा है। अब इसको ये हमने अपने पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम अपना बैटर इसमें डालते हैं और डुस्का बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें इस तरह से हमने इन्हें फ्राई किया है और इस शेप में किया है। ज़्यादा बड़ा हमें नहीं डालना है, छोटा छोटा बनाना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। और ये सही फूल रहे हैं। ये देखिए ये तल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें प्लेट में निकाल लेना है। और बाकी सारे भी हमें इसी तरह से तल लेने हैं। ये देखिए हमारा डुस्का बनके बिल्कुल तैयार है और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिए।